हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस एडिट। तो है गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे और मस्त होंगे गाइस। तो आज का वीडियो गाइस फिर से लेके आ गए एक और राजस्थानी धमाकेदार डीजे स्टेटस एडिटिंग। बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम पे, तो इस तरह का वीडियो आप कैसे बना सकते हो? तो सबसे पहले तो गाइस आपको स्टेटस दिखा देता हूँ गाइस। उससे पहले आज की इस वीडियो के अंदर किस चैनल का प्रमोशन होने वाला गाइस, वो जल्दी से चल के देख लेते गाइस। तो यहाँ पे आपको साइड में मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी गाइस, तो यहाँ पे इस चैनल का नंबर आ चुका है। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो इस भाई को जाकर सपोर्ट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल ना आपका नंबर भी आएगा, तो ये भाई भी आपको सपोर्ट करेगा, जिसका भी ये चैनल है ये भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा गाइस। तो ठीक है गाइस, तो चलो गाइस अब दिखा देता हूँ आपको स्टेटस। तो स्टेटस देखे गए, तो हे गाइस आज का स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह का सेम टू सेम स्टेटस बनाना गाइस, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा गाइस। और गाइस अगर आप भी अपना चैनल प्रमोशन करवाना चाहते हो, तो ये चार स्टेप फॉलो कर लेना, आपका चैनल भी प्रमोशन हो जाएगा। तो ये चार स्टेप कौन कौन से गाइस, वो मैं जल्दी से बता देता हूँ गाइस। पहला गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, और तीसरा गाइस इस वीडियो के अंदर एक कमेंट जरूर करना, और चौथा गाइस ये चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, ठीक है गाइस। जो गाइस ये चारों स्टेप फॉलो करेगा उसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे ना, उनको सभी को पता है कैसे नंबर आता है, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना गाइस। और गाइस इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा गाइस। तो चलो गाइस अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बताता हूँ इस तरह के स्टेटस आप कैसे बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, अलाइट मोशन। अगर आपके पास अलाइट मोशन का मोड वर्जन नहीं है गाइस, तो वो मेरे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये दोनों प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना। पहला रहेगा एम एस एडिट बिटमार्क प्रोजेक्ट, दूसरा रहेगा एम एस एडिट इफेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दोनों प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान स्टेप से बताने वालों, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर आना है। स्टार्टिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे ये वाला लेयर है गाइस, इसके अंदर आपको फोटो ऐड करना होगा गाइस। जो कौन सी फोटो ऐड करना गाइस, वो दिल वाली फोटो ऐड करना होगा यहाँ पे, ठीक है। फोटो ऐड करने के लिए ये देखिए गाइस, इस वाले लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो गाइस, उस वाले फोल्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना गाइस। तो यहाँ पे मैं जल्दी से फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया गाइस, और ये वाली दिल वाली मेरे को फोटो ऐड करना है। फोटो पे क्लिक करेंगे गाइस, फोटो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाली फोटो आपको गाइस मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अभी इस फोटो को ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस पर क्लिक कर देना गाइस, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा गाइस। अब आपको करने क्या होगा गाइस, इसके अंदर इफेक्ट भी है तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा गाइस, ठीक है। तो आपको करने क्या होगा गाइस, इसी फोटो फिर से क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, और ये जितने भी इफेक्ट हाइड रहेंगे तो इनको ऑन कर देना। जैसे ऑन करोगे तो देखिए गाइस, आपका दिल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा गाइस, जो बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा है, जो देख सकते हो गाइस। इसके अंदर इफेक्ट भी लग गया गाइस, ठीक है। अब आपको यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर एक लेयर है गाइस, ये भी हाइड रहेगा, तो इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा गाइस, जो बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले बिट मार्क पे जाना है, और अगले बिट मार्क पे गाइस ये वाला लेयर है गाइस। अब यहाँ पे इसके अंदर भी आपको फोटो ऐड करना होगा, तो ये वाला लेयर है, इसी वाले लेयर पे क्लिक करना। उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करना, स्टार वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस। और उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो गाइस, उस वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं जल्दी से फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। तो देखिए गाइस, यहाँ से मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया गाइस, और ये वाली मेरे को फोटो ऐड करना है। फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना गाइस। जो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको फोटो देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा गाइस, यहाँ पे ऊपर जाना है, और एक ये वाला लेयर है, इसको नीचे की तरफ लाना होगा, ताकि यहाँ पे देखिए लिरिक्स है गाइस, तो अभी दिख नहीं रहे होंगे, तो इस प्रकार से इसको होल्ड करके रखना, नीचे की तरफ ले जाना, तो अब आपके लिरिक्स दिखने लग जाएंगे गाइस, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा गाइस, ये जो लिरिक्स है इनका आपको फोन चेंज करना है। तो लिरिक्स पे क्लिक करेंगे, डबल एडेक्स पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना होगा, और ये वाला फोन आपको डाउनलोड कर लेना गाइस। इस फोन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, डाउनलोड करना, ऐड करना, जैसे चेंज करोगे हिंदी के अंदर हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये जितने भी फोन लिरिक्स हैं गाइस, इनका आपको फोन चेंज कर लेना गाइस, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद अगले बिटमार्क पे जाना गाइस, यहाँ पे आ जाना, और यहाँ पे आपको देखिए फिर से ये वाला
लेयर मिल रहा होगा गाइस, ये वाला लेयर। अब इसके अंदर भी आपको फोटो एडिट करना होगा गाइस, तो इसी लेयर पर क्लिक करना, उसके अंदर कलर एंड फिल पर क्लिक करना, स्टार वाला आइकन पर क्लिक कर देना गाइस। उसके बाद आपको सेकंड फोटो जो भी ऐड करना गाइस वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस मैं कौन सी फोटो ऐड कर लेता हूँ गाइस, ये वाली फोटो ऐड करूँगा गाइस। फोटो पर क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पर आ जाएगी, प्लस पर क्लिक कर देना गाइस, फोटो इसके अंदर आ जाएगी, जो देख सकते हो गाइस कितनी शानदार तरीके से दिख रहा है गाइस, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है गाइस। अब आपको करने के गाइस ऊपर जाना है, ऊपर ये वाला लेयर है, इसको भी लिरिक्स के नीचे लेना होगा, इस प्रकार से होल्ड करके रखना, नीचे की तरफ ले आना गाइस, तो अब आपके लिरिक्स दिखने लग जाएंगे। इनका भी आपको फोन चेंज कर लेना गाइस, जो मैंने बता दिया आपको कैसे करना। उसके बाद गाइस आपको एंड तक खाली जगह मिलेगी गाइस, तो यहाँ पे सभी जगह आपको फोटो ऐड कर लेना गाइस। तो यहाँ पे मैं एक फोटो तो आपको ऐड करके दिखा देता हूँ गाइस, बाकी फोटो आप ऐड कर लेना। तो इस बीट मार्क पे आ जाना, 7.13 सेकंड पे प्लस पर क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो गई। तो गाइस मेरे को ये वाली फोटो ऐड करना, फोटो पर क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पर क्लिक कर देना गाइस, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस फोटो को फुल स्क्रीन करना गाइस, तो यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया पर क्लिक कर देना गाइस, फोटो का साइज फुल हो जाएगा गाइस। उसके बाद ये फोटो का लेयर यहाँ तक ही गई, तो आपको यहाँ पे अगले बिट मार्क तक रखना होगा इस फोटो को, तो इस फोटो पे क्लिक करके अगले बिट मार्क पे चले जाना है। उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो यहाँ तक आ जाएगी। इसी प्रकार से गाइस आपको एंड तक फोटो ऐड कर लेना गाइस, जहाँ जहाँ बिट मार्क है वहाँ पे सभी जगह आपको फोटो ऐड कर लेना गाइस। तो यहाँ पे मैं सभी फोटो ऐड करके फिर बताता हूँ आपको गाइस। सो ओके गाइस, देखिए मैंने एंड तक फोटो ऐड कर ली गई, इस प्रकार से आपको फोटो ऐड कर लेना गाइस, एंड तक जो बिट मार्क के हिसाब से मैंने ऐड कर ली गई। अब इन फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना गाइस, तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही गाइस, ये वाली फोटो, ठीक है ना, जो 7.13 सेकंड पे आ रही। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना गाइस, तो यहाँ से आपको बेक आना है, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट वाली फोटो गाइस, ये वाली फोटो, फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आ जाना गाइस, ठीक है। बेक आने के बाद बिट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद गाइस आपको आ जाना है इस बिट मार्क पे 7.13 सेकंड पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाना। और ये वाली फोटो है, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा, जो देख सकते हो गाइस, कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस, जो देख सकते हो। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना है, टाइमिंग देख लो गाइस, 7.13 सेकंड से लेके और गाइस 15.27 सेकंड तक, यहाँ तक जितनी फोटो आ रही सभी के अंदर ये वाला इफेक्ट आपको इस प्रकार से पेस्ट कर देना गाइस, ठीक है, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा गाइस। चलो गाइस आगे जाओगे, आगे जाने के बाद 15.27 सेकंड के बाद में ये वाली फोटो आ रही गाइस। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाने गाइस, तो यहाँ से आपको बेक आना है, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद जो दो नंबर वाली फोटो, ये वाली फोटो, ठीक है ना गाइस, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आना है, बिट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस, और आपको इस बिट मार्क पे आ जाना, जो मैं टाइमिंग बता देता हूँ आपको गाइस। तो गाइस आपको आ जाना है 15.27 सेकंड पे, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना, टाइमिंग देख लो गाइस, 15.27 सेकंड से लेके और गाइस ये इफेक्ट आपको यहाँ तक लगा देना, जो मैं टाइमिंग बता देता हूँ गाइस आपको यहाँ तक, ठीक है ना, 22.26 सेकंड तक, यहाँ तक जितने फोटो आ रही सभी के अंदर ये वाला इफेक्ट इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना। फाइनल गाइस यहाँ तक काम आपका कंप्लीट होगा गाइस। उसके अंदर अगले बिट मार्क पे ये वाली फोटो आ रही गाइस। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना गाइस, तो यहाँ से आपको बेक आना है और इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद यहाँ पे चले जाना गाइस, जो तीन नंबर वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे देखिए गाइस, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आना है, बिट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ गाइस, उस बिट मार्क पे चले जाना गाइस आप, तो आपको आ जाना गाइस इस बिट मार्क पे 22.16 सेकंड पे, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस। उसके अंदर अगले बिट मार्क पे जाना गाइस, अगले बिट मार्क पे देखिए 25.26 सेकंड पे ये वाली फोटो है गाइस। अभी इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना गाइस, तो यहाँ से आपको बेक आना है, इफेक्ट वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। और जो लास्ट वाली फोटो गाइस, ये वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना गाइस। उसके बाद यहाँ पे यहाँ देखिए गाइस, अभी थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आना है, बिट मार्क वाले पेज को ओपन कर लेना गाइस। और जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ गाइस, उस बिट मार्क पे चले जाना गाइस, तो आपको आ जाना गाइस 25.26 सेकंड पे, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना गाइस, तो टाइमिंग देख लो गाइस, 25.26 सेकंड से लेके और गाइस ये इफेक्ट आपको यहाँ तक, जो लास्ट फोटो गाइस 27.26 सेकंड तक, यहाँ तक जितनी फोटो आ रही सभी के अंदर ये वाला इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना। फाइनल गाइस आपका वीडियो पूरा कंप्लीट बन जाएगा।
अब इसके अंदर आपको करना क्या होगा गाइस, अपना लोगो ऐड कर लेना। लोगो ऐड करने के बाद अब इस वीडियो को आपको सेव करना गैलरी के अंदर, तो इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना, वीडियो पर सेलेक्ट करना, उसके इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन का इसको सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपके फ़ोन में सपोर्ट कर रहा है गाइस, ठीक है। तो मेरे फ़ोन में 1080 सपोर्ट कर रहा है गाइस, तो मैं 1080 रख लेता हूँ, इसको फुल कर देना गाइस। अगर क्वालिटी का मैं गाइस, तो क्वालिटी को बढ़ा के एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना गाइस, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगा गाइस, ये पूरी 100% एक्सपोर्ट हो जाएगा गाइस। उसके बाद यहाँ पर सेव का बटन आएगा, सेव के बटन पर क्लिक कर देना, तो आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी गाइस।